भागलपुर में ओवरलोडिंग या इनलीगल माइनिंग का व्यवसाय करने वाले जल्द ही सचेत हो जाए, वरना पुलिस प्रशासन ने इस पर नकेल कसने के लिए कई टीम बना रखी है। हालांकि ओवरलोडिंग को लेकर आए दिन ट्रक व ट्रैक्टर में लदे गिट्टी बालू को पुलिस वाहन के साथ जब्त कर रही है, फिर भी आपराधिक तत्वों के लोग बाज नहीं आ रहे हैं। उस पर नकेल कसने के लिए SSP ने कई विशेष टीम बनाई हैं। अब वैसे लोग जल्द नपेंगे और उन्हें सजा भी दी जाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि धर्मकांटा पर जब नपाई हो तो उचित नपाई हो और रसीद जो काटा जाता है वो सही काटा जाए, वरना धर्मकांटा वालों पर भी कई कार्रवाई होगी और ओवरलोड करने वाले और अवैध माइनिंग करने वालों को पकड़े जाने पर वाहन जब्त करने के साथ साथ उनको सजा भी मिलेगी। ओवरलोडिंग का मुद्दा उठाया था तो उस पर कार्रवाई भी हुई, आगे क्या कुछ ओवरलोडिंग को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किया? देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा इलीगल माइनिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है और मेरे पास आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन पिछले 2 महीने में कम से कम 70 से 80 गाड़ियों को पकड़ा गया है, दर्जनों FIR हुई है, दर्जन के आसपास लोग गिरफ्तार किए गए हैं और यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। हम लोग टीम बना के माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस की टीम और DTO के साथ एक संयुक्त टीम बना के पीरपैती, ईशीपुर, बाराहाट, जगदीशपुर, अन्य भी जितने थाने हैं उन सभी चीज़ों से प्रभावित वहाँ पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे ट्रैक्टर, बहुत सारे ट्रक पकड़े गए हैं, लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई।